सबुठु विपज्जनक सेतु जीवन विपदरे पकाई जास करंती लोके प्रतिवर्ष निर्माण हुए ए ब्रिज तयारी करबाकु लागे 3 दिन दुनिया रे अनेक सेतु अछि जहां सबुठरु विपज्जनक बोली विवेचना करा जाए किंतु सेमानक भितरु पेरू रो कुजको गांरे थिबा एही ब्रिज अन्यतम जहाँकी दौड़ी रे तयारी होई छि एही सेतु दुनियार सबुठरु विपज्जनक सेतु बोली कुहा जाए जेउंथरे लोकमाने भयरे जास करंती ओ जीवा समय रे खूब जोरे चित्कार भी करंती एही स्विंग ब्रिज ना हेउछि क्यू ईश्वाचक जहाँ एक नदी उपरे निर्मित दौड़ी रे तयारी एही ब्रिज कुचको गांव को पेरू सह संयोग करिथाए एहाकु आदिवासी माने पारंपरिक उपाय रे तयारी करिछंती एही सेतु वन्य घासर दौड़ी रे तयारी होईछि जहार लंब 120 फुट एही सेतुर एक विशेष कथा हेउछि एहाकु प्रतिवर्ष निर्माण करबाकु पड़े आ ग्रामवासी माने मिसी एही पोलकु निजे तयारी करंती एही सेतु निर्माण पई ग्रामवासींकु 3 दिन समय लागिथाए एही सेतुर तयारी करबा पद्धति भी संपूर्ण भिन्न एही अंचलर एहा हेउछि एकमात्र सेतु जेउठारे नदी पार होई पारिबो एही सेतु 500 वर्षरु लोकंकु पेरु सहित संयोग करि रखिछि जेतेबेले एही सेतु निर्माण हुए सेतेबेले कुजोग गाँर लोकमाने सेतु निर्माण करितबा लोकंक मंगल पई प्रार्थना करंती सेतु निर्माण परे सेलिब्रेशन भी करंती सेतुटी 220 फुट उच्चरे निर्मित होईछि केनियन रो प्रवाहित नदी उपरे निर्मित तेबे एहाकु दुनियार सबुठारु विपज्जनक सेतु भाबे विवेचना करा जाए कुचको गाँर एही सेतु पर्यटकंक मध्यरे भी खूब लोकप्रिय प्रतिवर्ष 10,000 रु अधिक विदेशी पर्यटक एहाकु देखिबाकु आसंती पर्यटकंक टंकारे ग्रामवासी जीविका निर्वाह करंती पेरु सरकार मध्य एही अनन्य सेतु को सांस्कृतिक ऐतिह्य घोषणा करिछंती 2013 रे यूनेस्को एही सेतु को विश्व ऐतिह्य तालिका रे अंतर्भुक्त करथिला रिपोर्ट प्रमय न्यूज 7.com।